हेलो व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुश आमदीद। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवर्सेरियल सर्च देखने वाले हैं, और एडवर्सेरियल सर्च में भी पर्टिकुलरली हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अल्फा बीटा प्रोनिंग है। सो आइए देखते हैं कि अल्फा बीटा प्रोनिंग किस तरह से काम करती है। व्यूअर्स, अल्फा बीटा प्रोनिंग से पहले मैं क्विक रिव्यू चाहूँगा कि हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम को देख लें कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम किस तरह से काम कर रहा है। हमें मालूम है कि ये ट्रायंगल जो है ये मैक्स की मूव को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और इसी तरह से ये ट्रायंगल मिन की मूव को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ट्रायंगल जो कि मैक्स की मूव को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ट्रायंगल जो कि अपसाइड डाउन है ये मिन की मूव को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारे पास बेसिकली टर्मिनल स्टेट होगी, और इसमें हमारे पास यूटिलिटी वैल्यू 14, 15 और इस तरह से इस लेवल पे यूटिलिटी वैल्यू मौजूद है। तो ये 3 प्लाई एक गेम हमारे सामने है। आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह से मिनीमैक्स एल्गोरिदम काम करता है। बेसिकली मैक्स की अगर ये मूव है तो मैक्स 14 और 15 में से जो मैक्सिमम है उसे अडॉप्ट करेगा। सो ये बेसिकली 15 को अडॉप्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैक्स को सामने 0 और -9 होता है तो ये 0 को यहाँ से चूज करता। -1 और -4 में से जो बड़ी वैल्यू है -1 को मैक्स चूज करता। इसी तरह से -8 और -12 में से मैक्स जो है वो -8 को चूज कर रहा होता। सो ये बेसिकली मैक्स की मूव होती, और उसके बाद मेन की जब मूव आती है तो मेन इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है उसको चूज़ करता। मसलन यहाँ से 0 को चूज़ किया जाता और यहाँ से -8 को चूज़ किया जा रहा होता। और फिर जब मैक्स की वैल्यू बारी आती तो मैक्स अपनी टर्न पे 0 को चूज़ कर रहा होता। सो इसका मतलब ये है कि मैक्स जो है वो इन ऑप्शंस में से जो कि यहाँ यूटिलिटी फंक्शंस में ऑप्शन जो डिफरेंट अवेलेबल है इनमें से 0 मैक्सिमम है जो वो गेन कर सकता है अपनी टर्न के ज़रिए। सो ये बेसिकली मिनीमैक्स एल्गोरिदम था। अब देखते हैं कि अल्फा बीटा प्रोनिंग किस तरह से काम करती है। अल्फा बीटा प्रोनिंग में बेसिकली अल्फा जो है हमारे पास अल्फा एक ऐसा वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेस्ट फॉर मैक्स, यानी मैक्स के पास अब तक बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। सो ये बेसिकली बेस्ट फॉर मैक्स क्या है ये हमारे पास अल्फा में मौजूद होता है, और बीटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेस्ट फॉर मिन। और हर स्टेट जो है हम हर लेवल पे हमारे पास एक वेरिएबल वी है जो कि वैल्यू स्टेट पे हमारे पास बन रही होती है। सो अब शुरू में इनिशियली अब होगा ये कि जब हम किसी मैक्स की टर्न आती है तो मैक्स अल्फा और बीटा दोनों को अल्फा को सेट कर देता है माइनस इन्फिनिटी पर, और बीटा को सेट कर लिया जाता है इन्फिनिटी पर। माइनस इन्फिनिटी पर सेट करने की इसकी वजह ये है कि बेसिकली अल्फा चाहेगा कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा कुछ भी मिल जाए तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, और बीटा चाहेगा कि उसको इन्फिनिटी से छोटा कोई वैल्यू भी मिल जाए तो वो उसे एक्सेप्ट करता चला जाएगा। यानी मिनिमम के लिए इन्फिनिटी से छोटा कुछ भी बेहतर है, और अल्फ़ा के लिए माइनस इन्फिनिटी से बड़ा कुछ भी बेहतर रहेगा। सो अब ये एल्गोरिदम आगे की तरफ मूव कैसे करता है हम इसको देखते हैं। एक और बात भी जहन में रखिएगा कि अल्फ़ा का ताल्लुक क्योंकि मैक्स के साथ है, लिहाजा मैक्स जब भी अपडेट करेगा तो वो अल्फ़ा वैल्यू को अपडेट किया करेगा, और मिन जब भी अपडेट करेगा तो वो बीटा की वैल्यू को अपडेट किया करेगा। सो आइए देखते हैं कि एल्गोरिदम किस तरह काम करेगा। स्टार्ट में अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी बीटा इन्फिनिटी सेट करके पास कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। मिन की टर्न पे भी मिन कॉल करेगा दोबारा से मैक्स को, और माइनस इन्फिनिटी और बीटा जो है वो इन्फिनिटी पास कर दिया जाएगा। मैक्स फिर दोबारा से कॉल भेजेगा मिन को, और मिन में अगर असल में ये फंक्शंस हैं मिन के फंक्शन मैक्स के फंक्शंस हैं, तो मिन के फंक्शन में हमारे पास टर्मिनल टेस्ट है, और इसी तरह मैक्स के फंक्शन में भी टर्मिनल टेस्ट है। तो बाहर मैक्स जब देखेगा कि यहाँ पर टर्मिनल आ गया है तो जो यूटिलिटी वैल्यू होती है वही रिटर्न कर दी जाती है। यूटिलिटी वैल्यू इस वक्त 14 आएगी, 14 रिटर्न की जाएगी। सो हमारे पास वी में 14 आ गया। और होगा ये कि आप नोट कीजिए बेसिकली
एक टेस्ट जो कि इस वक्त परफॉर्म होगा मैक्स पे, वो टेस्ट मैं चाहूँगा कि आप देखिए कि मिन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है, मिन ने इस वक्त वैल्यू जो रिटर्न की है वो 14 है, और वो 14 है, और वी में इसके पास पहले से यहाँ पर मिन में जो मैक्स के पास जो वी है इसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पड़ा हुआ था। सो मैक्स अपने पास वी में भी माइनस इन्फिनिटी रखता है जब भी मैक्स के फंक्शन में कॉल आती है। तो ये माइनस इन्फिनिटी और 14 इनमें से जो बड़ी वैल्यू है मैक्स है वो वी में आ गया, वी में 14 आ चुका होता है। अब ये वो बेसिक क्राइटेरिया है जो कि प्रूनिंग के लिए यूज़ करता है, यानी जब भी वी अगर ग्रेटर हो जाएगा बीटा से तो फिर वो रिटर्न कर देगा जो वी आया है। फिलहाल बीटा जो है वो इन्फिनिटी है, लिहाजा ये बीटा से बड़ा नहीं है, तो फिर अब ये ऐसा करेगा कि अल्फ़ा में इसके पास माइनस इन्फिनिटी पड़ा हुआ था और वी में 14 है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो अल्फ़ा को असाइन कर देगा। ये 14 देखिए अल्फ़ा को इसने असाइन कर दिया, ये ग्रीन साइड जो हो गई ये इसने कवर कर ली। फिर उसके बाद ये एक बेसिकली ये तीनों स्टेटमेंट्स एक फॉर लूप के अंदर हैं। अब फॉर का लूप नेक्स्ट चाइल्ड की तरफ यानी इससे मूव करेगा, नेक्स्ट इसकी मूव दोबारा ये कॉल जाएगी, 15 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और अब वी में पहले से क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 14 और 15 आया है, इनमें से जो मैक्स है वो उठा के वी में रख दिया जाएगा। सो आप समझ सकते हैं कि वी जो है वो अपडेट होके 15 हो चुका होगा, सो 14 नहीं रहा बल्कि वी जो है वो 15 हो चुका होगा, और वी बहाल अब भी ग्रेटर बीटा से नहीं है, बीटा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मैक्स में पहले 14 पड़ा, अल्फ़ा में 14 पड़ा हुआ था और अब 15 आ चुका है हमारे पास, इन दोनों में से जो मैक्स है वो अल्फ़ा कर दिया जाएगा। सो आप नोट कीजिए कि अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, 15 हो जाना चाहिए, ये आपने देखा। फिर इसके बाद अब मज़ीद आगे और कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा ये जो मैक्स का फंक्शन है ये रिटर्न हो जाएगा अपनी पिछली स्टेट में। ये मिन से असल में यहाँ पर कॉल आई हुई थी, इसका मतलब अब मिन की तरफ ये रिटर्न होगा। तो मिन में किस तरह से ये कहाँ पर रिटर्न हुआ है, आइए इस चीज़ को भी देख लेते हैं एक नज़र। मिन में बेसिकली ये मैक्स को, मैक्स के फंक्शन को कॉल किया गया था। तो मिन में अभी अल्फ़ा जो है वो हमारे पास अब पहले जो अल्फ़ा था वो माइनस इन्फिनिटी और बीटा जो था वो इन्फिनिटी था, अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी और बीटा जो था हमारे पास वो इन्फिनिटी था यहाँ पर। सो अब यहाँ पर जो रिटर्न हुई वैल्यू वो 15 रिटर्न हुई थी, और वी के पास क्या पड़ा हुआ था, वी के पास जो मिन का फंक्शन है वो अपने अंदर इन्फिनिटी रखता है, सो वी में, वी के पास शुरू में पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो वी के अंदर आ जाता है, सो वी अपडेट होके 15 हो गया। और इसी तरह से अब मिन में जो टर्मिन जो कह ले प्रूनिंग कंडीशन है वो ये कि वी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा हो जाए, अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से छोटा अगर वी हो जाए तो फिर हम यहाँ से फंक्शन के ये फॉर लूप है बेसिकली वहाँ से रिटर्न कर जाते हैं। ये बेसिकली एक फॉर लूप है जिसमें पहले इस तरफ हम गए थे और अब इस तरफ जाना है अभी हमने। तो ये 15 यहाँ पर रिटर्न हुआ होता है, बीटा में हमारे पास ऑब्वियसली इन्फिनिटी था और वी पे हमारे पास 15 था जो रिटर्न होके आया, तो मिन ने मिनिमम वैल्यू उठाई, बीटा को अपडेट कर लिया 15 से। अब ये सारा कुछ, ये जो इसने अपडेट किया अपने आप को, ये उसकी बेस पर रिटर्न की है जो मैक्स की वैल्यू इस यहाँ पर जो फंक्शन कॉल गई थी यहाँ से जो रिटर्न हुआ उसके नतीजे में बीटा अपडेट हो गया। अब उसके बाद दोबारा से फॉर लूप की अगली आइट्रेशन चलेगी, दोबारा से मैक्स वैल्यू का फंक्शन कॉल होगा और अब अल्फ़ा बीटा की ये नई वैल्यू पास कर दी जाएंगी। अब मैक्स वैल्यू में वी अब फिर इसने पहले से माइनस इन्फिनिटी सेट किया होगा। अब उसके बाद यहाँ से ज़ीरो मिला इसे, और ज़ीरो जो है वो बाहर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, तो मैक्स जो है उसने अपने जो मैक्स की कॉल है, मैक्स ने अपने आप को अपडेट किया होगा, वी की वैल्यू इसने ज़ीरो रख ली होगी। अल्फ़ा को अपडेट करना है, अल्फ़ा को अपडेट करेगा वो माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो की नस्बत बहाल ये बेहतर है, सो ये अल्फ़ा में यहाँ पर अपने पास ज़ीरो रख लेगा, सो ये इसके पास ज़ीरो यहाँ पर आ गया।
फिर इसके बाद जब अब इस साइड पर मूव करेगा, माइनस नाइन आ रहा है इसको मिल रहा है, और माइनस पहले से आपके पास वी में ज़ीरो पड़ा हुआ है, माइनस नाइन जो आया है वो बड़ा नहीं है, लिहाजा ये उसे अपडेट नहीं करेगा वी को, और वी में यही पड़ा रहेगा और अल्फ़ा के अंदर ज़ीरो ही रहेगा। और कंडीशन जो कि प्रून करने की थी, वी जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता बीटा से उस वक्त तक प्रून नहीं किया जाता, और वी हमारे पास ज़ीरो आया है, सो इस यहाँ पर प्रून नहीं किया जाएगा। यहाँ से अब यही वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं वो हम वी जो है इक्वल टू ज़ीरो, वी इक्वल टू ज़ीरो जहाँ से रिटर्न होगा, और पहला वी 15 है इसके पास, और नई वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। अब मिन जो है इनमें से मिनिमम उठाता है, लिहाजा ये 15 को ख़त्म करेगा और यहाँ पर अपने पास ज़ीरो रखेगा और बीटा में भी ज़ीरो स्टोर कर लेगा। सो इसने अपने आप को अपडेट कर लिया, और फिर उसके बाद ये वैल्यू जो है ऊपर मैक्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये जो वी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मैक्स अपने पास अल्फ़ा को अपडेट कर लेगा और अल्फ़ा की वैल्यू जो है अपने पास ज़ीरो स्टोर कर लेगा। सो ये वो इसके जो इसके पास वी रिटर्न हुआ और ये उसने अपने आप को अपडेट कर लिया। अब ये दूसरी साइड पर मूव करेगा, और बस आप ये जहन में रखें कि कंडीशंस क्या हैं। मिन प्रूनिंग कब करता है? जब वी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा हो जाए। और इसी तरह से ये मिन के लिए कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रूनिंग करे, और मैक्स जो है वो प्रूनिंग करता है जब वी की वैल्यू बीटा से बड़ी हो जाए। सो अब ये वैल्यू पास की जाएगी यहाँ पर, और अल्फ़ा में ज़ीरो है बीटा इन्फिनिटी है, यही वैल्यू यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे पास हो जाएगी। अल्फ़ा में ज़ीरो बीटा में इन्फिनिटी, यहाँ से माइनस वन मिलेगा, और ये वी में आया और पहले से यहाँ पर वी में इसने अपने पास अल्फ़ा ने माइनस सॉरी मैक्स ने अपने पास माइनस इन्फिनिटी रखा होता है, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बड़ा है, सो इसने अपने v की वैल्यू को अपडेट कर लिया कि v इज़ इक्वल टू माइनस वन है। अब उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू अपडेट होगी, अगर अल्फ़ा की वैल्यू और जो नई वैल्यू v है इसमें से जो मैक्स है उसके ज़रिए, अल्फ़ा की वैल्यू पहले से ही ज़ीरो है और v माइनस वन आया है, लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने लगी। फिर उसके बाद हम इस साइड पर मूव करेंगे, इस साइड पर माइनस फोर हमें मिला, और माइनस फोर वी जो वी की नई वैल्यू आई, वी की पुरानी वैल्यू जो है वो पहले ही इससे बड़ी है, लिहाजा माइनस वन ही रहेगा, और माइनस वन जो वैल्यू है वो अल्फ़ा से पहले से अल्फ़ा से छोटी है, लिहाजा अल्फ़ा भी अब भी चेंज नहीं होगा और ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर प्रूनिंग भी नहीं होगी क्योंकि प्रूनिंग नहीं की गई, क्योंकि माइनस वन वी की वैल्यू जो थी वो इससे बीटा से बड़ी नहीं थी। अब ये माइनस वन यहाँ पर पीछे रिटर्न कर दिया जाएगा, माइनस वन यहाँ पर पहुँचा, ये मिन के पास आ गया। मिन का चेक आपके जहन में है कि मिन में चेक मिन में कंपैरिजन अल्फा के साथ किया जाता है, कि मिन में प्रूनिंग उस वक्त होगी जब आपके पास वी लेसर देन अल्फा हो जाएगा। सो वी लेसर देन अल्फ़ा की कंडीशन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर वी आपका लेस हो रहा है अल्फ़ा से। इसका इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि मिन को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर आगे उससे क्या वैल्यू मिलती है, वो यहाँ से आगे ऑनवर्ड सारा प्रून कर देगा। और बीटा को इसने माइनस वन कर लिया जी, यहाँ से प्रून इसलिए कर दिया कि मैक्स को पहले से अल्फ़ा यानी ज़ीरो एक मिल चुका हुआ है, और ज़ीरो से छोटा माइनस वन चाहे हमें यहाँ से मिल रहा है, लेकिन अब मैक्स जो है वो ज़ीरो को प्रेफर करेगा। यहाँ माइनस वन से छोटी वैल्यूज़ भी आ जाएं तो मैक्स ज़ीरो को प्रेफर करेगा, और अगर यहाँ पर माइनस वन से बड़ी वैल्यूज़ इस पार्ट में कहीं पर बड़ी वैल्यूज़ आ रही होती तो मिन उनको प्रेफर ना करता, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक प्रून कर देने से कोई हर्ज नहीं होगा, कोई हम यूज़फुल चीज़ ज़ाया नहीं करने वाले। सो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया इसमें v की वैल्यू माइनस वन है जब हम इसको रिटर्न करेंगे, तो अल्फ़ा के पास यहाँ पर मैक्स के पास मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगी वो पहले से पुरानी v की वैल्यू वही यूज़फुल होगी, लिहाजा वो उसी को अडॉप्ट कर देगा।
ये मिन मैक्स का एल्गोरिदम, आई थिंक अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें अल्फा बीटा सर्च किस तरह से की जा रही है। मैक्स वैल्यू हम मैक्स की तरफ से फंक्शन की कॉल भेजते हैं, जिसमें जो स्टेट आई है वो, और शुरू में अल्फा, ये अल्फा के लिए है और ये हमारे पास बीटा के लिए। अल्फा बीटा को हमने माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी भेज दिया। मैक्स जो है वो फिर इसी तरह से सबसे पहले टर्म चेक करता है टर्मिनल स्टेट है या नहीं। अगर टर्मिनल स्टेट हो तो वही यूटिलिटी वैल्यू जो स्टेट की है रिटर्न कर दी जाती है, और ये वी को हमेशा, अदरवाइज ये वी को हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लेता है, और फिर तमाम मैक्स के पास जितनी भी आगे स्टेट्स बनती हैं उन तमाम स्टेट्स के लिए ये बारी बारी हर एक के लिए फॉर ईच ये काम करेगा कि मिन का फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। मिन का फंक्शन जो है वो उस स्टेट के ऊपर ये कॉल करता है, मसलन ये मिन पहले पहला इसका कॉल होगा, और ये डेप्थ फर्स्ट सर्च वे में काम कर रहा होता है। यानी अब इस मिन का और फिर ये मिन जो है जब कॉल जाएगी तो ये देखता है कि ये टर्मिनल स्टेट है नहीं है, तो फिर ये अपना मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, वी को इसने पॉजिटिव इन्फिनिटी सेट कर दी है। सो इसी तरह से जब टर्मिनल स्टेट आ जाती है, अगर मैक्स पे गया था और मैक्स को टर्मिनल स्टेट मिल गई थी, तो टर्मिनल स्टेट क्योंकि ये टेस्ट पास हो जाएगा तो यूटिलिटी वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। सो यहाँ पर वी के अंदर वो यूटिलिटी वैल्यू आ जाती है। अब ये वी के अंदर जो यूटिलिटी वैल्यू आई है वो इस जगह पहुँचेगी, ठीक है जी। सो उस वो यूटिलिटी वैल्यू हमारे पास आएगी, और फिर उसके बाद यानी मिन ने अगर रिटर्न किया तो मैक्स के पास आएगी यूटिलिटी वैल्यू, पुरानी वी के साथ वो उसे कंपेयर करता है और उनमें से जो बड़ी है वो उठा के वी में डाल लेता है। सो आप इस तरह देख रहे हैं कि अल्फा बीटा प्रूनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च वे में काम करते चली जाती है, और अल्फा और बीटा की वैल्यूज ये अपने पास सेट करते चली जाती है। मैक्स अल्फा की वैल्यूज को सेट करता है और मिन जो है वो हमेशा बीटा की वैल्यूज को सेट कर रहा होता है, जबकि प्रून करने के लिए मिन अल्फा से वैल्यू का अपनी वी का कंपेरिजन करता है, जबकि मैक्स जो है वो हमेशा बीटा से वैल्यू को कंपैरिजन करता है। और जब भी प्रून किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इससे अंदाज़ा, यानी इसको उससे पहले अपने प्रीडिसेसर में कोई बेहतर ऑप्शन मिल चुकी हुई है, लिहाजा वो नई मजीद उस ट्री को एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है।